हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ऑलरेडी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बड़ी ऑलरेडी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को लेकर, क्योंकि टीआरई 3.0 के अंदर पदों की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, जो आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी उस वैकेंसी को लेकर आप सभी के लिए पदों की संख्या में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और यह जानकारी सबसे सटीक सबसे पहले आप सभी को दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीआरई 3.0 के अंदर जो आपकी पहले वैकेंसी निकाली गई थी 87,000, अब उसमें पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। यानी कि अगर बात की जाए 1-5 को लेकर, या बात की जाए 6-8 के बारे में, या बात की जाए 9th और 10th के बारे में, या 11th और 12th को लेकर, सभी के अंदर पदों की संख्या में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी भी जारी कर दी गई है, वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर टीआरई 3.0 के अंदर जो आप सभी को बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा आपकी कट ऑफ में, क्योंकि जितने ज़्यादा पद होंगे उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी। और ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि सब कुछ डिपेंड करता है पदों की संख्या के ऊपर। और अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी भर्ती के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हो जो किसी चीज़ को लेकर नाराज हो जाएं। अभ्यर्थी वैसे बहुत ज़्यादा नाराज थे पेपर लीक हो जाने की वजह से। पेपर लीक हो जाने के बाद जब ओएमआर का कॉन्ट्रैक्ट बेल्टोन को दिया गया, उसको लेकर भी अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर घोटाले होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और घोटाले जैसी चीज़ें देखने के लिए भी मिली, कई अभ्यर्थियों के नंबर जोड़े, किसी का नंबर नहीं जोड़ा, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन अब बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर, यानी कि पद बढ़ाए जाने को लेकर यहाँ जानकारी जारी कर दी गई है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। चूंकि ये दोस्तों आप जानते हैं कि वैसे तो आज हमारे संस्थान की छुट्टी होती है, लेकिन आप सभी के लिए हमेशा तत्पर होते हैं और आप सभी को जानकारी सबसे पहले देने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी को लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा विभाग पटना बिहार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। यहाँ पर 3 आप सभी के लिए नोटिस जारी हुए हैं और तीनों को इसी वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। एक एक करके नोटिफिकेशन में बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए पहले नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है। यहाँ पर आप देखें बैद्यनाथ प्रसाद यादव के माध्यम से, जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं, उनकी तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको जानकारी दी जाती है 19/8/2024 के क्रम में लिखा हुआ है। माध्यमिक यानी कि 9th और 10th, उच्च माध्यमिक यानी कि 11th और 12th में स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि TRE-1 और TRE-2 27/2023 के संबंध में जो नियुक्त होने के पश्चात रिक्ति के साथ TRE-1 और TRE-2 को जोड़ते हुए TRE-3 में समाज संशोधन करने के संबंध में, यानी कि जो आप सभी के रिक्त पदों का डाटा TRE-1 और TRE-2 में खाली हो गया था या रिक्त रह गए थे, उनको TRE-3 में जोड़ने को लेकर जानकारी कर दी गई है जारी। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि जो TRE-1 और TRE-2 के पद होंगे उनको जोड़ा जाएगा बैकलॉग के माध्यम से। अब यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है वो कौन कौन से पद हैं और किस तरीके से इसमें जोड़ा जाएगा। आपको अवगत कराना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण जो आपकी नियमावली 2023 है उसको फॉलो करते हुए 10/4/2023 के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा TRE-1 और TRE-2 का विज्ञापन जारी किया गया था। ऐसे में उसके बाद TRE-3 को लेकर एक नया विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। और इसको लेकर 5/2/2024 के द्वारा माध्यमिक यानी कि 9th और 10th, 11th और 12th विद्यालयों में स्थानीय निकायों के शिक्षकों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 के क्रम में नियुक्त होने के पश्चात जो रिक्त पद विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्यापित कराते हुए TRE-1 और TRE-2 के तहत खाली रह गए हैं, उन सभी पदों को जोड़ते हुए नियम अनुसार आरक्षण में समाशोधन करने के निर्देश दिया गया था। आपके द्वारा
बगैर बैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण संशोधन की कार्रवाई कर विभाग को प्रेषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर के पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है और पुनः निदेशक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से जो मंत्रिपरिषद की स्वीकृत विद्यालय अध्यापकों के पदों पर जिलेवार विषयवार संख्या भेजते हुए TRE-2 के रोस्टर की पंजी के समय जो अंतिम बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण संशोधन की कार्यवाही जो करनी है वो जिला पदाधिकारी के कराते हुए भेजने का अनुरोध किया गया था। सभी जिलों के आरक्षण रोस्टर को संशोधन कराकर मुख्यालय भेज दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आपका आदेश जारी किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से 65% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया था। आप जानते हैं बिहार के अंदर 65% रिजर्वेशन लागू किया गया था, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है वो पटना हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है वो अल्टर वायरस कर दिया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा TRE-3 के समय जो भेजे गए रिक्त पदों को निरस्त समझे जाएंगे और उनको दोबारा से भेजा जाएगा। अतः आप सभी को निर्देश किया जाता है कि 9th और 10th, 11th और 12th विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 को ध्यान में रखते हुए जो पद यहाँ पर खाली रह गए उन सभी पदों को TRE-3 में जोड़ते हुए आरक्षण कर समाशोधन की कार्यवाही जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर इस पत्र के संकलन प्रपत्र में जो ईमेल आईडी के माध्यम से भेजना होगा। अब यहाँ पे वो किस तरीके से भेजना है उसका डाटा भी दिया गया, आप इसको चेक करेंगे मैं दिखा देता हूँ। और जब आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जिले का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है 9th और 10th, 11th और 12th, उसके बाद में यहाँ बताना है TRE-3 के अंदर जो रिक्त पद आप सभी के खाली हुए हैं TRE-1 और TRE-2 के लिए किस वैकेंसी के लिए हैं, किस पदों के लिए हैं, किस कैटेगरी के हैं, मेल के हैं, फीमेल के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, ये सारा का सारा डाटा भेजने के लिए कहा गया है और इसी के आधार पर यहाँ पर आप सभी की वैकेंसी को कम्प्लीट करने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है कि BPSC TRE-3.0 के अंदर जो TRE-1 और TRE-2 में पद खाली रह गए थे अब उन दोनों को जोड़कर TRE-3 के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि आप सभी के लिए पदों की संख्या बढ़ गई है। ये निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी अब पूछेंगे क्या सर सिर्फ 9th और 10th के पदों की संख्या बढ़ेगी या 11th और 12th के पदों की संख्या भी बढ़ेगी या इसके अलावा 1-5, 6-8 को लेकर। तो आपको याद होना चाहिए 1-5 और 6-8 को लेकर जो डाटा मांगा गया था उसके अंदर भी जो बैकलॉग के पद हैं वो जोड़े जा सकते हैं और उसके बाद में TRE-3 के अंदर बड़ी संख्या में पदों में आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। जो आपकी वैकेंसी 87,000 पदों पर जारी की गई थी अब निश्चित तौर पर उससे कहीं ज़्यादा आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो 1-5 हो, 6-8 हो या 9th और 10th। और ये आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि पदों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ भी आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी और कट ऑफ कम जाएगी तो 40 से लेकर 44 हो या फिर 48 या 50 सभी की नौकरी ऑलमोस्ट पक्की हो जाएगी, क्योंकि बस आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स करने पर और आपकी नौकरी पक्की है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको जानकारी भी दी है। एक बार जैसे ही पदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी फिर मैं आपको लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा कट ऑफ पर कि कितनी कट ऑफ कम जाने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।